पांच ऐसे फैशन ट्रेंड्स जो 2020 में डोमिनेट करने वाले, ट्रेंड करने वाले हैं। ये पांच ट्रेंड्स अगर आपको पता है, आपका फैशन सेंस 2020 में बहुत ऊपर रहने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को। कॉरल पिंक कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने वाला है 2020 में, कि ऑलरेडी ये 2019 में बहुत ट्रेंड कर रहा है। ये कलर बहुत प्यारा है एंड बड़े बड़े ब्रांड्स इसको 2019 से ही अपने आर्टिकल्स में लगा रहे हैं, अपने नए नए कलेक्शंस में लेके आ रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं डियोर, प्राडा, एलवी, ये 2019 से ही इस कलर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। एंड 19 एंड 20 दोनों में, मैं बता रहा हूँ, आने वाले भी कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है। सो ये कलर आपके वार्डरोब में होना बहुत जरूरी है, मेरे पास ऑलरेडी है। अब इसको आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप इस कलर के साथ, वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज व्हाइट विद कोरल पिंक। कॉरल पिंक और व्हाइट का कैसे कॉम्बिनेशन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, कॉरल पिंक कलर की कुछ शर्ट लेनी है, हाफ या फुल स्लीव के, नीचे आपको व्हाइट ट्राउजर्स पहनने हैं, व्हाइट जीन्स पहननी है या व्हाइट शॉर्ट्स पहनने। वैसे ट्राउजर विल बी द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आप बीच में करो आप शॉर्ट पहन सकते हो। ट्राउजर में बहुत ज्यादा कूल लगोगे। व्हाइट एंड कॉरल पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, बट आप वाइस वर्सा कर सकते हो। जैसे अपने कॉरल पिंक शॉर्ट्स और व्हाइट टी शर्ट ले लिए, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कॉरल पिंक कलर की शर्ट लो, व्हाइट जीन्स लो एंड मिला दो, बहुत प्यारे लगोगे, बहुत सही कॉम्बिनेशन लगेगा वो वाला। सेकेंड है शील्ड सनग्लासेस। सबको पता है सनग्लासेस तो हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं, बदलते रहे हैं सनग्लासेस, बट ट्रेंड में वो हमेशा रहे हैं। तो अब क्या है, अब शील्ड सनग्लासेस का जमाना आ गया। वो छोटे जो हम पहले छोटे सनग्लासेस पहनते थे उनका जमाना नहीं रहा। शील्ड सनग्लासेस क्या है एक्चुअली, एक्चुअली वो जो आपके पूरी आईज को कवर करते हैं ताकि सनरे से आपकी आईज भी बची रहे। अब सनग्लासेस सिर्फ फैशन के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए भी लोग प्रेफर करते हैं। एंड जो बहुत जरूरी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, सनग्लासेस पहन के ही घर से निकलो, यूवी रे से अपनी आंखों को बचाओ। तो जो बड़े बड़े सनग्लासेस हैं वो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा लोग उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं। हर कोई वही पहन रहा है, मैं भी अब सिर्फ बड़े सनग्लासेस ही पहनता हूँ। तो वो छोटों को निकाल दो वार्डरोब में, जो आप क्या इसको पूरी तरह कवर करें अच्छी तरह से, सिर्फ वो सनग्लासेस अपने वार्डरोब में रखो। थर्ड है शूज। 2020 में कौन से शूज डोमिनेट करने वाले हैं, दो तरह के शूज हैं। सबसे पहले हैं व्हाइट स्नीकर्स। व्हाइट स्नीकर्स हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं, 2016 से ट्रेंड में चल रहे हैं। ये ट्रेंड में ही चलते रहे, क्योंकि सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, नॉर्मल इंसान भी व्हाइट स्नीकर्स पहनते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्सटाइल होते हैं। हर तरह के कॉम्बिनेशन के ऊपर आप पहन सकते हो, किसी भी तरह के आउटफिट के ऊपर आप उसे पहन सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना कि व्हाइट स्नीकर्स बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, उनको बहुत केयरली, बहुत प्यार से रखना पड़ता है। गंदी जगह पे मत पहनिएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज, आप इसको दिन में, रात में, किसी भी टाइम पहन सकते हैं। सेकेंड है चेल्सी बूट्स। चेल्सी बूट्स ऐसे बूट्स हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, व्हाइट 2019 से बहुत ट्रेंड में है। मेरे पास कुछ चेल्सी बूट्स मैंने अपने कलेक्शन में रखे हैं, क्योंकि चेल्सी बूट्स ऐसे हैं जो आप टेलर्ड पैंट या जीन्स के नीचे पहन सकते हो और एक बहुत क्लासिक लुक देते हैं आपको। वो फॉर्मल भी नहीं और कैजुअल भी नहीं, वो सेंटर के हैं एंड बहुत ज्यादा वर्सटाइल लुक देते हैं आपको, बहुत ज्यादा क्लासी लुक देते हैं। तो चेल्सी बूट्स तो आपके वार्डरोब में होने चाहिए। तीन ऐसे कलर जो चेल्सी बूट्स में आपको लेने चाहिए, ब्राउन, ब्लैक, बरगंडी। ये तीन कलर आपको अपने बॉर्डर में रखने चाहिए चेल्सी बूट्स के, और आपको लेने की जरूरत ही नहीं कलर। ये तीन कलर हर तरह के कॉम्बिनेशन में जाएंगे, स्पेशली द ब्राउन वन। ब्राउन वन हर, मतलब कुछ भी पहन लो यार, ब्राउन जाएगा ही जाएगा उसके नीचे। क्रॉस बॉडी बैग। क्रॉस बॉडी बैग बहुत पहले से चलता आ रहा है, 2019 की स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलना शुरू होता है, अभी तक ये उतने ही ट्रेंड में है एंड मुझे नहीं लगता है कभी ट्रेंड से बाहर जाएगा। अभी तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। इसका फायदा बहुत है, स्टाइलिश होता है दिखने में बहुत ज्यादा, एंड इसके अंदर आप इजीली सामान कैरी कर सकते हो, अपना वॉलेट कैरी कर सकते हो, अपना फोन, अपना पावर बैंक या कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीजें आप रख सकते हो, पासपोर्ट टाइप समथिंग। एंड चोरी होने का डर नहीं, एंड वॉलेट पीछे रख के बैठे रहो तो पता है ना, टुई दुखती है टुई, तो वो नहीं करना। एक ले लो मस्त प्यारा सा, बहुत लाइक ब्राउन कलर में भी आते हैं, ब्लैक कलर तो बहुत आते हैं, बहुत अलग अलग डिजाइन आते हैं, लेकिन क्रॉस बॉडी बैग के फायदे बहुत, आप इजिली सामान रख सकते हो, स्टाइलिश भी है। तो फैशन का फैशन हो गया, सामान कैरी करने का सामान कैरी करना होगा। अगला है लाइनन क्लोथिंग। लाइनन क्लोथिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी चीज है एंड ये 2018 या 2017 से ट्रेंड में है एंड हमेशा ट्रेंड में रहती है, क्योंकि लाइनन क्लोथिंग ऐसी है जो थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन उसके फायदे बहुत है। ये एक बार आपने ले ली तो 3-4 साल इजिली चलता है, धीरे जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाती है ज्यादा अच्छी होती जाती है। सबसे पहले लाइनन क्लोथिंग बनती कैसे है, लाइनन क्लोथिंग बनती एक प्लांट से जो होता है फ्लेक्स प्लांट, उसमें से फाइबर निकाल के लाइनिंग क्लोथिंग बनाई जाती है।
गर्मियों में लाइनिंग क्लोथिंग हर कोई प्रेफर करता है, क्योंकि इसमें कंपेयर करें हम दूसरे क्लोथ से, दूसरे स्टफ से, तो इसमें आपको बहुत कम गर्मी लगती है, क्योंकि ये बना ही ऐसा होता है, स्वेट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। ये बहुत प्यारी चीज है लाइनिंग क्लोथिंग, आपके पास होनी चाहिए। थोड़ी एक्सपेंसिव है बट पैसा वसूल चीज है। कभी भी आप शर्ट वगैरह लेने जा रहे हो, लाइनिंग की ही शर्ट लो, लुक परफेक्ट, पैसा थोड़ा एक्सपेंसिव है बट पैसा वसूल चीज है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा फेवरेट एथलीट क्लोथिंग। ये ऐसी क्लोथिंग है जो आप जिम में भी पहन सकते हो और आप पार्टी में भी पहन सकते हो, दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। 2018 से काफी ट्रेंड में इंडिया में, यूएस एंड यूके में तो बहुत ट्रेंड में था, बट अब कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में है। आप मोस्टली किसी भी सेलिब्रिटी को देखोगे और ऐसी क्लोथिंग में दिखता है। इसमें क्या होता है, इसमें जॉगर्स ऐसे आते हैं जो जिम में भी चल जाते हैं, एंड उसके ऊपर आपको नॉर्मल सी टी शर्ट पहन के अगर आप बाहर निकलते हो या आप कहीं दोस्त से मिलते हो, क्लब में जाते हो, रेस्टोरेंट में, तो बहुत प्यारा लगता है। एंड सेकेंडली, इसमें जो शूज आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ऐसे कुछ शूज होते हैं, ये जिम में भी यूज होते हैं बिकॉज लाइट वेट होते हैं, ग्रिप अच्छी होती है, एंड ये लुक में ऐसे होते हैं कि जिसको आप कैजुअली पहन सकते हो किसी भी जीन्स के ऊपर, किसी भी तरह के ऊपर। तो एथलीट क्लोथिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में इस टाइम पे, 2020 में तो बहुत रहने वाले, क्योंकि लॉकडाउन भी है तो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते तैयार होना। ये ऐसी चीज है, पहना, अभी मैं गया पार्टी में अटेंड कर ली, दोस्त से मिल लिया, रेस्टोरेंट में बैठ लिया, फिर शाम को जिम चला गया, परफेक्ट रहती है ये क्लोथिंग। सो मैंने आपको 6 ट्रेंड बताए हैं जो 2020 में डोमिनेट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेन फैशन में ट्रेंड करने वाले हैं। ये 6 ट्रेंड्स को फॉलो कर लो, फैशन गेम आपकी यहां से यहां पहुंच जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा।